धनबाद जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से एक वनभोज का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद जिला के अलग अलग क्षेत्रों के वाहन मालिक उपस्थित हुए। सभी लोग भीड़ में एक साथ जमा हुए, लेकिन कोई एक भी शख्स मास्क पहने हुए नजर नहीं आया। जब लोगों से इस बाबत बात की गई तो भीड़ लगाकर वनभोज मनाया गया और लोगों द्वारा मास्क नहीं लगाया तो लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। जिला स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंतित है। इसको लेकर जगह जगह बैरिकेडिंग कर टेस्ट की जा रही है। लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से संबंधित हिदायत दी जा रही है, ताकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचा जा सके। मन की बात कही है कि ओमिक्रॉन की जो है खतरा बढ़ चुकी है। लोग जो है 2 गज का दूरी बनाए और मास्क बहुत जरूरी है। यहाँ पर तो सर कार्यक्रम में कोई मास्क नहीं पहने है। नहीं, अभी तो मैं भी मास्क पहना था, आप देखे ही होंगे। और सही बात है, इसका गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, सभी को पालन करना चाहिए और 2 गज की दूरी सभी को रखना चाहिए। देखिए क्या कि हम लोग तो डबल वैक्सीन लिए हुए हैं, डबल डोज लिए हुए हैं, हमारे सारे लोग डबल डोज लिए हुए हैं, मगर इस बात को मैं समर्थन करता हूँ। सबसे पहले जान को बचाना है, अगर सभी को जान सुरक्षित रहेगी तभी आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए इस पहल को मैं स्वागत करता हूँ और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग इस चीज़ को हम लोग स्वीकार करें और हम लोग हमेशा मास्क लगा के चलने का काम करें। और आंदोलन भी अगर हम लोग करेंगे तो बिना मास्क लगाए हुए आंदोलन हम लोग नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोग को अब आगाह होना जरूरी है, बेपरवाही बरत रहे हैं। और कल माइथन में भी जो है स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने कई लोगों को पकड़ा दिए हैं और लगभग 16-17 लोग जो है अब तक पीड़ित मिले हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे लोगों को, जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, पिकनिक प्लेस में जा रहे हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मैसेज दिया है लोगों के लिए, बहुत ही ज़रूरी मैसेज है। कोरोना और खास करके ओमिक्रॉन का संभावना को, संक्रमण को देखते हुए लोगों को अपनी लापरवाही एकदम नहीं करनी चाहिए। लोगों को भीड़ भाड़ में जाने से बचना चाहिए। कोई फेस्टिवल नव वर्ष का जो उत्साह मना रहे हैं, घर में रहें, ज़्यादा इंडोर रहें, भीड़ भाड़ से बचें और अपना जो कोविड का जो अपना बिहेवियर है, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, इसका जरूर प्रयोग करें। वैक्सीनेशन लें, अगर संक्रमण है तो तुरंत अपना सैंपलिंग भी कराएं। जो लोग सर पिकनिक में जा रहे हैं सर, उनके लिए क्या सर? मैं पिकनिक में जाने के लिए पहले सर सब कहूँगा कि संक्रमण को देखते हुए पहले तो भीड़ भाड़ जाएँ, बेहतर होगा कि घर में ही अपना नया वर्ष का सेलिब्रेशन करें। लेकिन अगर वैसा महसूस करते ही हैं कि जाते हैं अगर भीड़ भाड़ में, तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और थोड़ा गैदरिंग भी कम रखें। और अगर आपने वैक्सीनेशन लिया है तब भी आपको मास्क का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होगा।